हेलो माय डियर, सभी ऑन पेसिवेंस को संपत पटेल का नमस्कार। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज मैं मेरे फार्म हाउस पे हूँ और ये हमारा मेहंदी का खेत है जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ खेती के बारे में। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ये मेहंदी है वो पूरे वर्ल्ड में ये राजस्थान से ही सप्लाई होता है और ये हर दुनिया के हर पर्सन को यूज होता है, चाहे बालों में लगानी हो, चाहे शादी में हाथ में लगानी हो। तो मैं आज आप देख सकते हैं मेरे फार्म हाउस पे मतलब एंजॉय कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि आज आपके साथ थोड़ा सा कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कृपया करके आप थोड़ा इन बातों का ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने सुबह सुबह आज अपडेट दिया था ग्रुप, तो बात करते हैं हम ऑन पैसिव के अपडेट की। दोस्तों, मैंने आज सुबह सुबह कुछ ग्रुपों में अपडेट के रिगार्डिंग पोस्ट किया था। आज सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि आपको पासपोर्ट और आधार कार्ड और अपने जो भी केवाईसी के रिगार्डिंग जो अपने पास प्रूफ होते हैं वो तैयार रखने के लिए कहा गया है। तो उस बारे में मैं आप सभी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों, आप जो हम सभी इंडियन फाउंडर हैं, आप समझदार व्यक्ति होके भी बच्चों जैसा ट्रीट कर रहे हैं क्या? आप कोई पहली बार कंपनी कर रहे हैं जो आपको ऐसा लगता? दोस्तों, आपने कई गवर्नमेंट, आप सिम लेते हैं तब भी केवाईसी होता है, आप फोन पे वॉलेट यूज करते हैं तब भी केवाईसी यूज होता है, आप दुनिया की कोई भी कंपनी में काम करो केवाईसी होता है। और सभी को पता है केवाईसी करने के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। बट पता नहीं क्यों आज सुबह से मुझे लोगों के इतने कॉल्स आ रहे हैं, क्या सर मुझे ये मतलब अपना NIT क्या होता है? अरे यार, NIT का मतलब होता है नेशनल ID। तो आपको अपनी नेशनल ID, और हर हिंदुस्तानी चाहे 2 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का बूढ़ा हो, सबके पास आधार कार्ड होता है और सिर्फ उसी आधार कार्ड से ही KYC हो जाएगी। आपको इसके बारे में ज़्यादा हाइक क्रिएट करने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली अपडेट तो ये है, ये थी दोस्तों। दूसरी, कुछ शरारती तत्वों ने आज सोशल मीडिया पर ऐसा एक मैसेज वायरल हो रहा है कि आज पेंडिंग ID की आखिरी डेट है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक पेंडिंग ID से रिलेटेड कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तीसरी बात पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा आप सबको, मैं प्लीज़। हाँ, तो दोस्तों, मेरी आपसे सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, आप कुछ भी हाइक क्रिएट करने के लिए सभी यूट्यूबरों से भी मैं कहना चाहता हूँ या सभी भारतीय फाउंडर से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप कोई भी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर कृपया करके शेयर ना करें। इससे आपके एक छोटे से पोस्ट की वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है और गलत जानकारी शेयर की जाती है। दूसरा, मैं सभी फाउंडर को मेरी तरफ से या हिंदुस्तान के सभी फाउंडर्स की तरफ से आप सभी को दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया करके आप अपने बैक ऑफिस में जाए। मैं जैसे ही कोई मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई भी पोस्ट शेयर करता हूँ तो तुरंत मुझे कॉल आ जाता है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ यार मैंने ये पोस्ट शेयर की ही क्यों, क्योंकि लोग उस पोस्ट को बिना देखते हैं, बिना पढ़े हुए, बिना अपना दिमाग यूज किए हुए सीधा कॉल कर देते हैं। अरे यार दोस्तों, हमारे पास भी काम होता है, हम भी काम वाले आदमी, हम भी फैमिली वाले आदमी हैं, प्लीज़ आप क्यों नहीं बैक ऑफिस में जाते हो, क्यों नहीं चेक करते हो आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में बैक ऑफिस में ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफिस की जानकारी को ही लीगल माने। आप किसी को क्यों फ़ोन करते हैं? क्या आप अनपढ़ हैं? और अगर अनपढ़ भी है तो इतना तो सभी लोगों को पता है कि इंफॉर्मेशन हमारे बैक ऑफिस में आती है वही लीगल होती है। किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आने से कृपया करके आप कोई भी गलत जानकारी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करें। दूसरा, आज आपको पता है 360 डिग्री का वेबिनार होने जा रहा है। हो सकता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज कोई इंपॉर्टेंट अपडेट इंफॉर्मेशन मार्टी डिगामो, रेड रेपरन एंड क्रिस जॉनसन के द्वारा दी जा सकती है।
तो आप अपना समय निकालें, इंटरनेशनल वेबिनार को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। वैसे हमारे इंडिया में भी टीम चैंपियन का है, या हरीश शर्मा का है, या रोहित सर का है, या बंगाल के भी कुछ अच्छे अच्छे वेबिनार्स हो रहे हैं। आप समय निकालें, इन वेबिनारों को अटेंड करें, क्योंकि आप जब तक अटेंड नहीं करेंगे आपको कैसे पता रहेगा कि ओन पेसीयू में क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल फल हमारे पक चुके हैं दोस्तों, और 20 नवंबर का इंतज़ार है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, रियली बता देता हूँ, बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, थैंक्स टू एस मोपरा जी। वाकई में वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप देख सकते हो, हमने कल एक इवेंट भी किया था पाली राजस्थान जवई बांध के ऊपर, और वो किसान फाउंडर्स थे और इतने एक्साइटेड थे, वाकई में देखते ही बनता है। और मुझे खुशी है कि मैंने कई सारे किसान फाउंडरों को मेरे डाउनलाइन में लगाया, और मैं आज भी उस मुहिम में लगा हुआ हूँ, और मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, और ये मेरा फार्म हाउस है, ये मेहंदी है, और ये मेहंदी पूरे वर्ल्ड में सप्लाई सिर्फ और सिर्फ पाली ज़िले के सोजत तहसील से ही सप्लाई होता है, बाकी दुनिया में कहीं भी मेहंदी पैदा नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पूरा फार्म हाउस है, और मैं गुजरात से 3 दिन हो गए मुझे यहाँ राजस्थान आए हुए, और 2 दिन और रहूँगा, और 2 दिन के बाद में मैं फिर राजस्थान जाने वाला, तो मेरी आपसे सॉरी गुजरात जाने वाला हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप अपने आप को अपडेट रखें, किसी को भी कॉल नहीं करें, ज़रूरत होती है आपको टाइम मिलता है तो बैक ऑफिस चेक कीजिए, हर एक वेबिनार की इम्पोर्टेंट इन्फो। तो दोस्तों मेरी आपसे प्रार्थना है, आप कोई भी लीडर को कॉल करके ऐसा नहीं बोले कि सर आपको क्या लगता है कब पैसा आने लगेगा, कब लॉन्च होने लगेगा, या कब से हमें KYC की ज़रूरत होगी। दोस्तों मेरी एक सलाह, अगर आप मानना चाहते हैं, अगर मुझे आप मेरी सलाह को मानना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफिस में जो कंपनी की तरफ से ऑथोराइज न्यूज आती है उसको फॉलो करें। हमें भी पता नहीं है कब लॉन्च होने वाला है, हमें भी पता नहीं है कब एप्पल हमने मिलने वाले हैं, हमें भी पता नहीं है कब हम KYC होगी, और हमें ये भी पता नहीं है कि पेंडिंग ID कब हटने वाली है। जो भी होगा आपके सामने होगा, और आपको बताए बगैर कंपनी कुछ भी काम नहीं करने जा रही है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ कि कृपया करके आप इन जरूरी इन्फॉर्मेशन को अपने आप को अपडेट रखें, बैक ऑफिस चेक करें। आज जो 360 डिग्री का जो वेबिनार होगा आप समय निकालें, अटेंड जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको 360 डिग्री के वेबिनार में आने वाली है। और माइकल एम सर है, जो कि कई सारे यूट्यूबर के ऊपर अपना इंटरव्यू देते हैं, उनके आप वीडियोस देखिए, आपको उनको बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और अभी हाल ही में सपना जी के चैनल पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो वो भी आप सुनिए। आप अपने आप को अपडेट रखिए दोस्तों, आप जैसा है वैसे ही हम हैं, हम सभी फाउंडर हैं, आप भी फाउंडर हो, मैं भी फाउंडर हूँ, और आपके पास जितनी जानकारी है उतनी ही मेरे पास जानकारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा चैनल का नाम है अपडेट बाय संपत पटेल, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें ताकत और ऊर्जा देती है। और ये मेरे खेत हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जब हमारा ओन पेसीयू लॉन्च होगा तो बिल्कुल मैं मेरी तरफ से सभी फाउंडर के लिए स्पेशल ये मेहंदी घर तक पहुँचाऊँगा इस मुहिम में, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय ओन पेसीयू, वी आर सो इन इट टू विन इट।